दोस्तों चिकन मोमोज बनाएंगे आज हम, और चिकन मोमोज ऐसे बनेंगे जो कि अंदर से बहुत ही जूसी होंगे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि जब भी हम चिकन मोमोज बनाते हैं तो अंदर चिकन का लंप बन जाता है और जो मोमोज होते हैं वो जूसी नहीं बनते हैं। उस प्रॉब्लम का सलूशन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आज हम जो चिकन मोमोज की रेसिपी बनाएंगे वो अंदर से बहुत ही जूसी होगी और जो चिकन होगा वो एकदम दानेदार, हर एक बाइट में अलग अलग आएगा। तो हमने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे है अनियन। जितना चिकन आप यूज कर रहे हैं चिकन मोमोज बनाने के लिए उतना ही पार्ट आपको अनियन लेना है, तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने चॉप्ड अनियन है इसमें हमने मिला देना है चॉप्ड स्कैलियन, जो हरा प्याज होता है उसको चॉप करके इसमें मिला लीजिए। यहाँ पे हमारे पास प्याज है और हरा प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक ताकि जो भी पानी है प्याज का वो छूट जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, तब तक हम दूसरा काम करते हैं, हम मोमोज के लिए डो बनाएंगे। मोमो का जो डो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, बहुत गूंदना पड़ता है, तो हम ऐसा व्यक्ति ढूंढ के आए हैं जो अभी रील देख रहा था, तो इसके रील के काम से हटा के अब हम मैदा गूंदवाएंगे। देखिए यहाँ पे मैदे में हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा ऑयल डालिए, पानी। चलिए अब गूंदिए, डो को अच्छे से गूंदना है ताकि जो ग्लूटन है मैदे का वो एक्टिवेट हो जाए, जो खिंचाव है इस डो का वो अच्छा हो जाए। तो हल्का हल्का पानी डालते रहिए और इसको गूंदते रहिए। अब आप इस डो को स्लैब में रखेंगे, स्लैब में डालिए और इसको स्ट्रेच करिए अच्छे से, हाँ खींचिए, पुश एंड पुल। मोमोज का डो गूंदते हुए पंकज को लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब से आप रील देखेंगे? बिल्कुल नहीं। अब से आप ढीम टपा कर धम धम देखेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो डो है मोमोज का वो बनके एकदम रेडी हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे हम ऑयल, ऑयल से कोट करिए, अच्छे से कोट करिए इसे, और आपके पास जो सबसे साफ और अच्छा दिखने वाला टॉवल होगा वो इसके ऊपर रख दीजिए और इसको रेस्टिंग के लिए रख दीजिए। दोस्तों जो डो है मोमोज का वो रेस्ट कर रहा है, और जो मोमो की स्टफिंग है, जो हमने प्याज रखा था जिसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल के रखा था ताकि वो अपना पानी रिलीज कर दे, उसको निचोड़ेंगे। इस तरीके से हम प्याज को निचोड़ लेंगे, जो भी उसमें पानी होगा उसको निकाल देंगे और एक बोल में डाल देंगे। मिक्सचर से हमने पानी निकाल दिया है, अब एक बार इस मिक्सचर को टेस्ट कर लीजिए कि इसमें जो नमक की क्वांटिटी है वो इनफ है या नहीं है। टेस्ट करिए, आप भी टेस्ट करिए, मेहनत सारी आपने ही करी है तो टेस्ट आपको करना बनता है। देखिए अभी जो नमक है इसमें वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही क्वांटिटी में डला हुआ है नमक। थोड़ा सा इस मिक्सचर को हम सॉल्टी बनाएंगे क्योंकि चिकन मिलाने के बाद हम रॉ चिकन टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसको हल्का सा सॉल्टी बनाना है क्योंकि इसमें इक्वल क्वांटिटी चिकन की भी आएगी। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर, दरदरी पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे एरोमेटिक पाउडर। यहाँ पे हमने चिकन को अनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दाना दाना एक समान हो जाए। अब हमने एक पैन लेना है, इसमें हम बटर ऐड कर देंगे। देखिए बटर यहाँ पे मेल्ट हो गया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून गार्लिक डालूंगा और 1 टेबलस्पून जिंजर डालूंगा जो कि हमने चॉप करा हुआ है। और देखिए ये जो तड़का हमने बनाया है इसमें हमने जिंजर गार्लिक को कलर नहीं देना है, थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए बस इतना इनफ रहेगा। इसको हम चिकन में मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को। और ये जो मिक्सचर है इसको हमने फ्रीजर में रख लेना है थोड़ी देर के लिए ताकि जो बटर हमने इसमें ऐड करा है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाए और हमें इसे हैंडल करने में थोड़ी आसानी हो। तो आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए दोस्त। मोमोज का जो डो है वो अच्छे से रेस्ट हो गया है, अब हम इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर लीजिए और इसको इवन पीसेस में काट लीजिए। ये जो डो हमने इवनली काटा है इसको हम फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से और रोल कर लेंगे। ये जो चिकन मोमोज का मिक्सचर है हमने फ्रीजर में रखा था, आप देखेंगे ये जो बटर है वो अच्छे से जम गया है, तो अब हमें हैंडल करने में आसानी होगी इसको, और हम इसको डो के साथ इस तरीके से डाल देंगे
और शेप आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी बना सकते हैं। देखिए अब हम मोमो को स्टीम करेंगे। जिस वेसल में आप मोमो को स्टीम करने वाले हैं उसमें अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और इसमें हम मोमोज रख देंगे। हम मोमोज को स्टीम करने के लिए रख देंगे 12 मिनट के लिए और 12 मिनट बाद चेक करते हैं मोमोज को। ये देखिए मोमोज हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे चिकन मोमोज बन के एकदम रेडी हो गए हैं और जो चटनी की रेसिपी है वो हमारे वेज मोमोज वाले सेक्शन में है। चटनी के साथ डिप करके खाइए, बहुत ही बेहतरीन मोमोज बने हैं। आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप वाले बटन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।